साथियों, जिस तरह से मैया सम्मान योजना ठीक चुनाव से पहले हुई, वो साफ साफ दर्शा रहा था कि हेमंत सोरेन सरकार जो है आने वाले चुनाव में वो डर चुकी है कि अगर वो कुछ नहीं करती है तो उसे वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ के झारखंडी लोग काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। एक तो 1932 खतियान का तो जो मामला वो गर्म था ही, साथ ही साथ छात्र यहाँ के काफ़ी जो है क्रोधित है। वो सत्ता परिवर्तन करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा ही होगा पूर्व में रघुवर दास की सरकार जो थी, इससे पहले बीजेपी की, कैसे छात्र जो नाराज़ हुए और भी कई विभाग के लोग नाराज़ हुए, चाहे पारा शिक्षक हो, आंगनबाड़ी हो, और उसके बाद जो है सत्ता परिवर्तन हुआ। ठीक उसी प्रकार जो है इस बार झारखंड के छात्र काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। इतनी बार पेपर लीक हुई कि वो अब जो है कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। अभी हाल ही में देख लीजिए, जेएसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम कितने सालों बाद, 8 सालों बाद फिर से हुई। बीच में एक दोबारा और कोशिश हुआ था एग्ज़ाम लेने का, लेकिन फिर पेपर लीक हो गया था। और इस बार भी पेपर लीक होने के छात्र बार बार सबूत दे रहे हैं, जेएसएससी कार्यालय तक गए, वहाँ पर हड़ताल किए, वहाँ पर आंदोलन किए, वहाँ पर सबूत भी दिए। इसके बावजूद भी अभी तक जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम रद्द नहीं हुआ। और छात्रों को जितना रोज़गार मिलना चाहिए, झारखंड के युवाओं को जितना रोज़गार मिलना चाहिए, उतना मिला नहीं। तो इस कारण सरकार सोच रही है कि किसी तरह तो अपना वोट बैंक बचा ले, किसी तरह तो अपना कुर्सी बचा ले। तो इस कारण हर सरकार हर जगह की, हर राज्य की कोशिशें करती है लोक लुभावनी योजनाओं लाने के लिए। ठीक चुनाव से पहले ज़्यादातर कोशिशें की जाती है। तो हेमंत सोरेन सरकार ने 1,000 रुपये प्रतिमाह मैया सम्मान योजना के नाम पर देना शुरू किया, और इससे डर करके जो है बीजेपी ने जो ऐलान किया कि वो गोगो दीदी योजना शुरू करेगी और 2100 रुपया प्रतिमाह महिलाओं को दिया जाएगा। अब इसके लिए जो है बीजेपी ने यहाँ तक कि पर्ची भी बनवा ली और पंजीकरण करवाने लगे, गांव गांव मोहल्ला मोहल्ला घर घर घूम करके उनके कार्यकर्ता। तो इसके बाद जो है हेमंत सोरेन सरकार ने अपने प्रशासन का उपयोग करके इसे दबाने का कोशिश किया, लेकिन देखा कि नहीं, जनता जो है अभी प्रलोभन में है। उनको चाहिए कि दो, हमको जितना फ्री में देना हो। आजकल जनता की ये आदत हो गई है, वो लड़ना नहीं चाहती। उनको सोचते कि जो भी फ्री में मिल रहा है हम ले लो, बाद में चुनाव के बाद तो कुछ मिलना नहीं है। तो इसलिए वो सोच रही होगी कि 2100 रुपया अगर प्रतिमा बीजेपी से अगर वो ले लेगी तो फिर हमको वोट कहाँ से मिलेगा, हम तो 1,000 दे रहे हैं मैया सम्मान योजना का। तो इसीलिए आज जो है हेमंत सोरेन के एक पोस्ट देखिएगा फेसबुक में, उन्होंने ऐलान किया कि दिसंबर से जो है यहाँ के महिलाओं को, माता बहनों को जो है जो 1,000 मिल रहा था वो 2500 रुपये प्रतिमाह हो जाएगा। तो मतलब बस फ्री में बांटना है, कुछ दो चार दाने फेंक दो और उसके बाद लोग तो दौड़े दौड़े आपको वोट देने आ जाएंगे, कुर्सी मिल जाएगी, उसके बाद फिर 5 साल राज करो। अरे भाई, फ्री में देना ही है ना, तो शिक्षा दो ना, शिक्षा दो फ्री में, नर्सरी से लेके एकदम ग्रेजुएशन, पीजी, पीएचडी लेवल तक एजुकेशन फ्री कर दो। अगर फ्री ही करना है ना, तो स्वास्थ्य सुविधाएं, चिकित्सा फ्री कर दो। ये जो आयुष्मान योजना, तो गंभीर रोग, मुख्यमंत्री गंभीर रोग योजना, ये सब ढकोसले हैं। जब आप जाओगे ना हॉस्पिटल में, तब आपको पता चलोगे कि इसमें फोड़ा का नहीं होगा, फुंसी का नहीं होगा, ढकना का नहीं होगा, तो इसमें मेडिसिन वाला पार्ट नहीं आएगा, तो इसमें खाली ये ऑपरेशन वाला पार्ट आएगा। ऐसे ही आपको सिर्फ सुनने को मिलेगा, और जब आप जाइएगा ना, तब आपको समझ आएगा कि अरे, हम तो इस 5 लाख के भरोसे, हम तो इस गंभीर रोग योजना के भरोसे थे, लेकिन ये तो एक धोखा निकला। अगर आपको फ्री में ही देना है ना, तो रोजगार दीजिए। ये जो 25 लाख 30 लाख में जो धंधा चल रहा है ना, पेपर लीक करने का, नौकरी देने का, इसको बंद कीजिए। तब जानेंगे कि हाँ, जनता का कल्याण करना चाहते हैं, माता बहनों का कल्याण करना चाहते हैं। बंद कीजिए ये पेपर लीक, बंद कीजिए ये सीटों का बिकना, और फ्री में रोजगार दिला के दिखाइए। लाखों युवा यहाँ बेरोजगार बैठे हुए हैं, रोजगार दीजिए। ये मैया योजना, गोगो योजना, पोगो योजना, ये सब बंद कीजिए, रोजगार दीजिए, फ्री में शिक्षा दीजिए, फ्री में चिकित्सा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।